शिवपुरी जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ पर्यटन को मजबूत बनाया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन संवर्धन समिति भी गठित की गई है। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बैठक में चर्चा करते हुए कहा कि अभी मादम नेशनल पार्क में टाइगर लाने की योजना पर काम जारी है। लगातार टीम के द्वारा भ्रमण करके स्थितियों का आकलन भी किया जा रहा है। इससे शिवपुरी के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर गेम को भी जोड़ा जाए। पर्यटक स्थलों पर एडवेंचर गेम जोड़ने से पर्यटकों को और अच्छा वातावरण मिलेगा। साथ ही उन्होंने रेत उत्खनन और पत्थर उत्खनन पर भी कार्रवाई करने को कहा। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने एक टीम बनाई है जो कि उन पर कार्रवाई करेगी और खदान के लिए भी प्रशासन की नज़र रखी जाएगी। देखिए, मैं 3-4 महीने से मेरा स्वास्थ्य खराब था, सर्जरी हुई थी पैर की, बेड रेस्ट पे था और जब थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, प्रभार वाले जिले में जाना चाहिए। तो आज मैंने सभी विभागों की समीक्षा की। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर योजना है उसकी विशेष समीक्षा मैंने की और जो भी दिशा निर्देश जारी करने थे मैंने प्रशासन को किए हैं। पूर्व में जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए और आज भी मीटिंग में मैंने सख्ती से कहा है कि इस अवैध खनन का तत्काल से रोकना जरूरी है और इस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने बोला है। सर, बल क्षेत्रों में पत्थर भी निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो जिस तरीके का भी उत्खनन हो रहा है, चाहे वो पत्थर का है चाहे रेत का है, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग पूरी तत्परता से, मैंने पूरा एक फोर्स बनाई है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो हमारा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम है उस पर भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि सेल्समैन जो बहुत पुराने समय से कार्य कर रहे हैं उनके बदले में स्व सहायता समूहों को हम लोग दें और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही हम ये कार्य कर रहे हैं। और जो विभागों के अन्य विभागों की समीक्षा हैं जहाँ काम पूर्ण नहीं हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने बोला है कि टाइम लिमिट में सब चीज़ों को पूर्ण किया जाए। और रोगी कल्याण की मीटिंग भी आज थी। टूरिज़्म के लिए शिवपुरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है और जिस तरीके से कलेक्टर महोदय ने और श्रीमद महाराज साहब के विशेष आशीर्वाद से एक बृहद प्लान हम लोगों ने तैयार किया है टूरिज़्म को लेकर, तो उस पर भी आज हम लोगों ने चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में शिवपुरी टूरिज़्म का एक बहुत ज़बरदस्त स्थल बनने जा रहा है। सर, पानी की जो समस्या है उसको कैसे? हाँ, उसके लिए भी मैंने चर्चा की है और दिशा निर्देश दिए हैं कि पानी की व्यवस्था भी सुचारू की जाए।